हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइन एनवायरनमेंट और माइन इंटेलिजेंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी माइनिंग कंपनी के एग्जाम लाइक ओवरमैन माइनिंग सरदार डीजीएमएस के कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 सेफ्टी लैम्प बिगेंस टू डाई डाउन। मतलब सेफ्टी लैम्प में कितना परसेंटेज तक CO2 होगा तो सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। 3%, ऑप्शन नंबर बी है 1%, ऑप्शन नंबर सी है 0.5%, ऑप्शन नंबर डी है 0.1%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3% CO2 होगा तो सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन जनरली 1 kg ऑफ एक्सप्लोजिव लिबरेट्स हाउ मच लीटर ऑफ CO2 एट STP बा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो 1 kg ऑफ एक्सप्लोजिव को हम लोग जब ब्लास्टिंग करेंगे तो STP में कितना लीटर तक CO2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए है 10 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 15 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 20 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 40 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 लीटर तक CO STP से निकलेगा। 1 kg ऑफ एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग करेंगे तो तब। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द इंटरनल कॉम्बसन इंजिन ऑफ ए डीजल लोको प्रोड्यूस एग्जॉस्ट गैस ऑफ वेरी कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अंडरग्राउंड में जो जहाँ पर हम लोग डीजल लोकोमोटिव यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो व्हाट इज द कंसेंट्रेशन लेवल ऑफ CO इन द एग्जॉस्ट गैस। मतलब वहाँ पर जो डीजल लोकोमोटिव से जो धुआं निकलता है तो वहाँ पर जो CO वहाँ से मतलब प्रोड्यूस होता है उसका कंसेंट्रेशन लेवल क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 10 to 20 PPM पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन नंबर बी है 50 to 60 PPM, ऑप्शन नंबर सी है 100 to 200 PPM, ऑप्शन नंबर डी है 201 to 400 PPM। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 201 to 400 PPM तक OCO का कंसंट्रेशन लेवल होता है डीजल लोकोमोटिव में। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हाउ मच सीओ विल प्रोड्यूस इफ 1 kg ऑफ कोल डस्ट इज बॉर्न फेवरेबल कंडीशन। मतलब 1 kg ऑफ कोल डस्ट जिसमें 75% ऑफ कार्बन रहेगा वो बर्न होगा तो कितना CO वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर ए है 0.5 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0.75 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर वन है सी है 1 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1.5 क्यूबिक मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 क्यूबिक मीटर CO वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो आता है आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ H2S इनसाइड द माइन। तो यहाँ पर कौन सा एक्टिविटी में H2S बस स्टिंग डैम का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है डीके ऑफ टिम्बर, मतलब टिम्बर जब मतलब खराब हो जाता है तब H2S तो फॉर्मेशन होता है, तो ये नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर ऑप्शन पर। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल, जब कोल का स्पॉन्टेनियस कम्बशन होता है तब क्या H2S प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है स्प्रेडिंग ऑफ कोल डस्ट स्प्रेड के समय मतलब H2S प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है बर्निंग ऑफ ब्लास्टिंग फ्यूज, जो ब्लास्टिंग फ्यूज होता है हमारे जो हम लोग ब्लास्टिंग के लिए यूज करते हैं वहां पर H2S फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडिंग ऑफ कोल डस्ट में H2S फॉर्मेशन नहीं होता है, बाकी ये थ्री कंडीशन में स्टिंग बैंड प्रोड्यूस होता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।